धरी उत्ते लीक ऐलो को पत्थरी उत्ते लीक ऐलो को कहती दुनिया सारी दुनिया बिच निभानी पैनी सबनों दुनियादारी दुनिया बिच निभानी पैनी सबनों दुनियादारी दुनियादारी मैं ही रवाया उन्हों ना हुण ओह इन्नी समझदार हो गई कि ओह मैनू दसेगी कि मैं अपनी धी लई किस तरह का मुंडा पसंद करना है खबरदार जे रूप नूं अगे तां गल्लां सुनाईआं तां ओ यार वापस जाण बारे वापस कित्थे कैनेडा ओ हां किन्नू लभ रिहा है लवली नजर नहीं आ रिहा ओ घर नहीं है जनाब डैड नूं किसी कुड़ी नाल प्यार हो गया क्योंकि ना मेरी जरूरत मेरी मां नूं सी ना मेरे प्यो नूं ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਲਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ गल तो मैं एक बार जरूर करांगा तो जे उसने हाँ कर दिती फिर भावें दुनिया इधर दी उधर हो जावे ये शादी तो जरूर होके रहेगी तुसी इस तरह क्यों कह रहे हो उसकी वजह है मैं धुप च वाल सफेद नहीं किते प्रकाश मैनू लगता है कि इस रिश्ते तो किसी नू कोई प्रॉब्लम नहीं पर प्रॉब्लम की है प्रॉब्लम है सतविंदर ओ इस रिश्ते तो खुश नहीं है ये तुसी किस तरह कह सकते हो उन्हें लवली ते बलकार नाल गल कीती है गल करनी वक्री गल है पर रिश्ते वास्ते राजी होना वो वक्री गल है तू तो जानती है वो जद तो इस घर विच नूं बन के आई है वो उसने हमेशा साढ़े खिलाफ ही गल करन दी कोशिश कीती है इस करके उसकी घर विच किसी ना किसी नाल तू तू मैं हुंदी रहिंदी है हुण तां विचारा मलकीत भी उहदी हां विच हां मिलाउण लग पिया उह भी विचारा की करे जे उह इस तरह ना करे तां उह बूथा सजा के बैठ जांदी है ते फिर तुसी की चाहुंदे हो तू सतविंदर दे दिल दी गल पता करन दी कोशिश कर ते उसनूं समझा कि लव बहुत ही वधिया मुंडा है उह अपनी प्रीत नूं हमेशा खुश रखेगा हाँ खुश तो रखेगा ही जे वो नहीं मनदी ना छड्डो खेड़ा उहदा एवें उहदे ही पिछे पै गए नहीं प्रकाश वह घर की वड्डी नूं है ते प्रीत की मां है इसलिए उसकी रजामंदी बहुत जरूरी है ठीक है जे तुसीं कहने हो ना मैं गल करके देख लांगी एक बार उहदे नाल गल करनी पैणी आखर नूं तेरी बेटी है वो ना मेरी बेटी है तां हुण मैनूं फिर गल्लां सुणाऊगी सारा घर तां मेरे खिलाफ बोलदा ही है ते हुण मेरी अपनी धी भी मेरे खिलाफ बोलेगी मेरी तां ना इस घर दे विच कोई इज्जत ही नहीं है नहीं इदां दी कोई गल नहीं है तू हर गल दा मतलब गलत कढ लैनी है जे उसने तैनूं कुछ किया तां उहदी कोई वजह होणी है ना की वजह है ਉਸਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਗੀ ਭੈਣ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਤੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾਹ 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 ਇੱਕ ਬਗਾਨੀ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੂਪ ਕੋਈ ਬਗਾਨੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਾਂ
मैं पागल हाँ जी लोगों ना जबरदस्ती लड़ती फिर दी तो सारे घर के बहुत सियाने ने पागल ने तोड़े घर के ते सब तो वड्डा पागल है तोड़ा बहू जी सतविंदर तुसी मेरे ते हाथ चुकिया ए तू ठीक नहीं कीता मलकीत तैनू पता औरत उत्ते हाथ कायर चुक दे ते मैनू पता है मेरा बेटा कायर नहीं है बाबू जी तुहाडे बारे बहुत बुरा बोल रही सी तां की होया किसे दे बुरा कहन नाल इंसान बुरा तो नहीं हो जाता हुण भिंडी दी सब्जी मैनू नहीं पसंद इहदा मतलब ए थोड़ी कि भिंडी एक बुरी सब्जी है हो सकता इसनू मेरी कोई गल बुरी लगी होए बाऊ जी थानू नहीं पता ए नहीं चाहती कि प्रीत दा व्याह तुहाडी पसंद कीते मुंडे नाल होवे बिल्कुल नहीं होवेगा पुत्र मैं तो सब दी मर्जी पूछी सी मुंडे नू ते उसदे दादे नू घर लिया के सब नाल मिलवा दिता होर दसो की चाहिदा मैनू तो इस तरह लग रहा है कि मैं इसकी मां नहीं ते प्रीत ते मेरी धी है ही नहीं फिर बेटा तू की चाहनी है वह भी दस दे प्रीत दा व्याह मेरी पसंद नाल ही होएगा की बकवास कर रही है तू तो हमेशा ही घरद्या के खिलाफ गल करती रही है तू जरा धी बन के सोच नू बन के नहीं जे इस घर विच वड्डे होण दा दर्जा लेना है ना ता दिल नू भी वड्डा ही रखना पैंदा है ते बड़पन किसे तो खो के नहीं मिलता अपने आपे नू खत्म करके मिलता है मैनू अपने पति ते बच्चे तो सिवा कुछ भी समझ नहीं आता ए तेरा मतलब ही पाना है बेटा जो सारे कट्ठे रहिंदे है ना फिर ऐदां दी सोच नहीं रखी जांदी ते ना ही ऐदां जिंदगी कट्टी जांदी प्रीत दे व्याह दा फैसला मैं ही करांगी तू फिर ओही गल्लां करन लग गई गल वधाउण दा कोई फायदा नहीं बेटा मैं समझ गया इन्हें नहीं मनना ठीक है बेटा तू प्रीत दी मां है तेनू जो चंगा लगता है कर तां की होया प्रीत दी परवरिश च असी भी शामिल हां जिन्ना हक तेरा है ना उसते उन्ना हक साडा भी है बिल्कुल भी नहीं प्रीत मेरी कुड़ी है ते उस दे बारे विच मैं ते सिर्फ मैं ही सोचांगी सतविंदर तू पागल हो गई है सतविंदर मन्या तू प्रीत दी मां है असी भी उसकी कोई जिंदगी खराब नहीं कर रहे इसलिए जो भी फैसला करना तू ही करेंगी बोल तू की चाहनी है प्रीत दा रिश्ता मैं अपनी मर्जी नाल कराना चाहनी हाँ ते ए रिश्ता मैनू बिल्कुल भी पसंद नहीं है तू सही सोच रही है पुत्र तू प्रीत दी मां है असी तो एवें झूठी आस लगाई बैठे सी बचपन विच असी उसनू गोदी विच खिडाया तां की वो साड़ी पोती है तां की तू उस दे रोण ते रात नू कदी भी नहीं सी जागती ते असी रात रात पर उस दे नाल जागते रहे तां की उसकी कदी तबीयत खराब हो जाती तो असी दिन रात उसनू अपनी छाती नाल लगा के रख्या तां की असी तां उस दे कुछ भी नहीं तू उसकी मां है याद है तू उसनू झूले विच पा के आराम नाल सौ जाती सी तैनू उस दे रोण तो चिड़ सी इसलिए तू उसनू शुरू तो ही बोतल दे दुध की आदत पा दित्ती ता कि तेरी नींद खराब ना होवे प्रीत नू असी पोती नहीं अपनी बेटी समझिया सी ते अज तू एहसास दवा दिता कि तू उसकी मां है ते असी उसते कुछ भी नहीं लगते अज मैनू अपनी बदकिस्मती ते दुख हो रहा कि रब ने सानू बेटी क्यों नहीं दिती
माफ करी सतविंदर, मैं तो खुशफहमी विच जी रहा सी, पर अज तू मैनू यह एहसास करवा दिता कि तू प्रीत दी मां है, असी तो कुछ भी नहीं। ठीक है पुत्र, प्रीत तेरी बेटी है, इसलिए उहदे बारे जो भी फैसला करना है तू ही कर। यह तो चंगा है कि मैं बलकार नाल अजे तक रिश्ते की गल नहीं सी कीती, नहीं तो मैं सारी उम्र उसनू मूंह दिखाउण दे लायक नहीं सी रहना। ओ जनाब, तुसी इत्थे लेटिंग ते मैं तुहानू सारे घर च लभिंग। ओ क्यों दिमाग खादा यार, बैठ ते हुण दस की होया। ओ तुहानू वड्डे साहब बुला रहे ने। ओ ते ठीक है, तू गल दस जी, तू इसे पिंड च जम्मिया ना? इस गल दा तां मैनू दुख है, मैनू ना अमरीका च होना चाहिदा, रब ने ना रोंग नंबर डायल करता। ठीक है ठीक है, जे तू इसे पिंड दा है ते तू सारे पिंड वालों नू जानदा होएगा। हाँ सारिआं नू तां नहीं पर काफ़ियां नू जानदा है। दसो काम की है? गल सुन मेरी, ये गल ना तेरे ते मेरे विच रहनी चाहीदी है, बस। डू नॉट वेरी जनाब, किसे नू नहीं दसांगा। डोनट वरी नहीं हुंदा, डोंट वरी हुंदा। बस बस मैं समझ गया, तुसी काम दसो। देख तू मैनू गलत ना समझी, वो मैं उदन गुरुद्वारे गया सी ना। हाँ तो उत्थे मैं कुड़ी देखी। अच्छा, बस उहदे बारे पता करना, वो कित्थे रहिंदी है, किन्हां दी कुड़ी है, की नाम है, बस। वो देखदी किदां दी है? बहुत सोहनी, बस इन्ना ही जानता। पर हाँ शायद वो कॉलेज पढ़ती है, क्योंकि ना मैनू आंदे जांदे कितनी बार देखा। बस तुसी मैनू एक चिंगारी दिती, ते मैं इनू अग बना देंगा। ओए अग दिया लग दिया, ये गल ना तेरे ते मेरे विच रहनी चाहीदी है, और जे तूनू लभता ना तेनू नाम भी दऊंगा। सच्ची? मुझे फिर अपना इनाम ना हुण तो ही सोच लो। ला ये भी कोई गल है, दस की चाहिए? दसा? हाँ। तो जनाब मैं ना पिंड दी कुड़ी नू लव करदा, ते मैं चाहना है कि तुसी मेरा लव जू ना ओदे तक पहुँचा दो। तू रहन दे, तो तक तू रहन दे। और जान दो जनाब, गरीब की मुहब्बत भी कदे कामयाब हुई है। तुसी मेरा नाम भुल जाओ, पर तुहाडे वाले नू मैं जरूर लभ के देवांगा। बेटा मैं एक गल करनी सी तेरे नाल। जी बाऊ जी। बेटा मैं लवली नाल तेरा रिश्ता पक्का करना चाहुंदा सी।
पर शायद तेरी मां नूं इह रिश्ता मंजूर नहीं। इस बारे तू की कहनी है? बाबू जी पुत्र शर्मा ना, अजकल जमाना बदल चुका है। अजकल जब तक लड़का लड़की एक दूसरे नूं देख ना लैन, पसंद ना कर लैन, शादी नहीं हुंदी। ते मेरे ख्याल अनुसार होनी भी नहीं चाहिदी, क्योंकि लाइफ तां लड़का लड़की ने आप ही गुजारनी है ना पुत्र। मेरे हिसाब नाल लवली तेरे लिए हर पक्षों योग लड़का है, पर शायद तेरी मां किसी होर लड़के नाल तेरी शादी करना चाहती है। कि तेरी मां ने किसी होर लड़के बारे कोई गल की तेरे नाल? नहीं बाऊ जी, तुहाड़ी पसंद जिथे भी होगी उही मेरे लिए फैसला होगा। मैनू ना तो अपनी मां ते भरोसा है ते ना उन्हां दीआं गल्लां ते। तुहाड़ा फैसला ही मेरे लिए हुक्म होगा बाऊ जी। ज्यों दी रह पुत्तर, तू अज इस बुढ़े नूं माण बख्शिया, मैनू एक नवी जिंदगी दित्ती। खुश रहे पुत्तर, वाहिगुरु तैनूं खुशियां बख्शे। सेहतर दा की हाल है हुण? घट है। दवाई लई सी? हाँ। पता है अज की होया? की होया? अज लवली मिलिया सी। ओ तेनू किथे मिल गया? ते ओने तेनू पहचानिया किवें? ओने ता तेनू कदी देखिया ही नहीं है। उसने नहीं पहचानिया, पर मैं उन्हें पहचान गई सी। फिर तू उसनू आप मिली? नहीं यार, युवराज ने मेरा रस्ता रोक लिया सी। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਲੇ ਜੁੱਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਛਿੱਤਰਪਿੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲਵਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਡਰਪੋਕ ਜਿਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭੋਲੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਯਾਰ। ਲਵ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧੂੜ ਚਟਾਈ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਲੈਟ ਹੋ ਗਈ। मैं तां घर आंदे बाऊ जी नूं भी कहता कि बाऊ जी जे मैं ब्याह करावांगी तां लव नाल करावांगी, वरना कुआरी ही मर जावांगी। हाय रब्बा, तू बाऊ जी नूं आ कुछ कहता? एनी बेशर्म हो गई है तू। जिने कीती शर्म ओदे फुट्टे करम, ते जिने कीती बेहयाई ओदी होई धूम मचाई। पर प्रीत, तू तां एक ही मीटिंग च पागल हो गई है, अगे की करेंगी? मजाक कर रही है यार, बाऊ जी ने मेरी पसंद पूछी सी ते मैं भी कह दिता कि बाऊ जी जो थोड़ी पसंद हूँ मेरी पसंद है। तेनू तो दिन में चंद नजर आ गया। ते युवराज नू दिन विच तारे। फिर तू उसनू कहा नहीं कि उस नाल तेरा रिश्ता होने वाला है? कुछ दस नहीं सकती यार, तेनू मैं तो पागल हो ही जा रही सी सच्ची। बस हुन किसी भी तरह वड्डी मां नू मनाउणा है, जे ओ नहीं मन्ने ना तो मैं भी जिद ते अड़ जांगी। ओ जान दे आ मेरी जिद नू, आखिर है ता मैं भी उना दियो कुड़ी। ओए तू टेंशन ना ले, सब कुछ ठीक हो जाऊगा। तू आज बहुत पी ली है। टेंशन च नहीं हैगा मैं, गुस्से च। जे अज ओ विच ना आउंदा ना तां प्रीत नू मैं अपने दिल दी गल कह देनी सी। पर वो है कौन सी? पता नहीं, मैं भी उन्हें पहली बार देखे पिंड च। भावी पिंड च केड़ा नवा नमूना आ गया जिहड़ा युवराज नूं नमूना बना गया। मैं भी सौं खाई है, उन्हें छड़दा नहीं, बदला तो लैके ही रहूंगा। मेरी प्रीत दे सामने बेइज्जती करके रखती, जब तक मैं उहदी बेइज्जती प्रीत दे सामने नहीं कर लैंदा तद तक मैनू चैन नहीं मिलना। पर उन्हें लभांगे किवें? ना वो कोई पता है ते ना कोई वो एड्रैस है।
तू बस पता कर कि पिंड च नवा नमूना कौन आया, इत्थे रहिंदा कित्थे, बाकी कम मेरा। अज तो यह जी खुशखबरी देवगा कि जनाब इनाम देंगे मैनू। जनाब ओ जनाब कितने खोए हो? की है? बैठ। की हो गया? लॉटरी लगी तेरी कोई? हाँ जी लॉटरी लगी है, पर आई दी नहीं यू दी। की मतलब? मतलब लॉटरी लगी है, और जे रिजल्ट देखना तो चलो मेरे नाल। तुसी मेरे नाल नाराज हो? मैं ओही करांगी जो बाऊ जी कहेंगे। ए मेरे नाल किस तरह बदतमीजी कर रही है? तू भी केड़ा सारे नाल घट बदतमीजी कर रही है। छड़ना यार रूप, वो मम्मी तो इदा ही गुस्से च कुछ भी कह देंदी है। मैं तो सोच लिया है मेरे विआह दी सारियां तैयारियां तू करेंगी। जद पसंद बाऊ जी दी है फिर मैं पसंद करके की करांगी? वीर जी तुहानू लगदा है बाऊ जी गलत फैसले करदे? मैं मौका देख के तेरी भरजाई नाल गल करांगा। प्रीत तुहाडी मर्जी दे खिलाफ नहीं जा सकदी। परमात्मा करे ओह मन जावे कि उहनां दी इन्नी चंगी पसंद करके मैनू इन्नी चंगी पत्नी मिली। मैं प्रीत दा रिश्ता अपनी पसंद नाल ही करांगी। तू प्रीत दा ख्याल छड दे। पर मैं प्रीत दा रिश्ता उत्थे नहीं करना चाहुंदी। दुनियादारी, दुनियादारी।